थैंक यू सो मच. थैंक यू. खास और कितना स्पेशल है इस बार का बर्थडे, पहले तो जानना जी. काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है इस बार का बर्थडे बिकॉज मैं यहाँ पे आश्रय फाउंडेशन जो बैंड्रा में है, मैं सभी किड्स से मिलने के लिए आई थी. तो जैसे कि मैं ओनर और फाउंडर हूँ अपनी खुद की फाउंडेशन की, उर्वशी रावटला फाउंडेशन, तो हमने एकजुट होकर के मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी. और जब मैं यहाँ पे आई, मैंने बहुत ज़्यादा उनके संग इंटरेक्शन किया. मैंने उनसे कई तरह के सवाल पूछे कि वो क्या अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं. उनको कॉन्फिडेंस के बारे में बताया, जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में बताया. तो मैं बहुत ही प्रभावित थी क्योंकि सभी बच्चों के मन में एक उद्देश्य है. किसी ने कहा किसी को पुलिस बनना है, टीचर बनना है, डांस टीचर बनना है, कोई सोल्जर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है. और उसमें से कई बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं. तो आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से उनकी जो परवरिश की जा रही है. तो मैं वही चेक करने के लिए आई थी. और अभी जब मैं उनको गुडीज़ और जो मैं उनके लिए प्रेजेंट्स लेकर के आई थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो मैंने एक और चीज़ का रियलाइजेशन किया कि उनके अंदर एक और जो होती है ना ग्रेटफुल होने की भावना, वो भी काफ़ी ज़्यादा थी. मैं उनको कुछ प्रेजेंट दे रही थी तो वो मुझे इन रिटर्न कर रहे थे. तो काफ़ी अच्छा रहा उनके संग. कई उनको डांस करने का काफ़ी शौक है, तो उनके संग मेरे गानों में हमने डांसिंग किया और काफ़ी अच्छा था. बिकॉज आई फील कि एज अ ह्यूमन बीइंग ओवरऑल, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स माय बर्थडे, बट आई फील ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कितनी है, ये एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. और बीइंग यू नो आइकन फॉर माय कंट्री एंड ऑल्सो एज अ मिस यूनिवर्स इंडिया एंड बींग द ब्रांड एम्बेसडर फॉर माई कंट्री, आई रियली ट्रूली फील कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स यू नो ऑल द सोशल कॉजेज. एंड ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. और इससे ज़्यादा बेटर मौका नहीं होता कि मैं इससे ज़्यादा कुछ स्पेशल तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाती. कितनी खुशी हो रही थी कि आज आप बच्चों से मिलने वाली, बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करने वाली हैं. कितनी खुशी थी और इतना सुबह से तैयारियां चल रही थी इस चीज़ की. जी सुबह से तो कई सारे फ़ोन कॉल्स, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हेक्टिक, फ़ोन बंद ही नहीं हो रहा है, नॉन स्टॉप कॉल्स पे कॉल्स आए जा रहे हैं. सो या आई मीन इट्स वेरी हेक्टिक डे, यू नो ऑल योर रिलेटिव्स, ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैंस, आई डोंट नो फ्रॉम यू गेट कॉल्स एंड विशेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है. एंड देन ऑब्वियसली यू नो हैविंग अ बर्थडे पूजा विद माई फैमिली एंड देन यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करा, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है. स्पेशल विश जो आपको आज मिली हो, काफ़ी खुश हो, जो एक्सपेक्टेड नहीं था बट आपको वो विश. जी आज बच्चों से मिल लिए और इतने अच्छा ये कर रहे हैं लाइफ में. और मैंने उनसे एक और बात का डिस्कशन किया. मैंने कहा कि मैंने सभी बच्चों को ये बताया कि इस तरीके से प्रेरित किया कि लाइफ में कॉन्फिडेंस होना और एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कॉन्फिडेंट आप तभी होते हो जब आपके पास राइट अमाउंट ऑफ एजुकेशन हो, आपने पढ़ाई लिखाई की हो. तो उसमें सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं तो आज उनको एक बहुत सारा ज्ञान दे करके आई हूँ. ओके. आपने खुद को भी विश किया जो काफ़ी ट्रेंडिंग जा रहा है सोशल मीडिया में, क्या कुछ फैन से विशेज आ चुके हैं उस पर और कितना प्यार मिल रहा है आज के दिन? जी ढेर सारा प्यार और काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है. और आई एम रियली हैप्पी, आई लव माई फैंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.